यहाँ कोरोना के बाद H3N2 वायरस का कहर जो है वो दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ रहा है। देश में H3N2 वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो 32 मरीज अब तक अस्पताल में भर्ती है। BMC के मुताबिक H3N2 वायरस को लेकर CM एकनाथ शिंदे ने बैठक भी बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे एकनाथ शिंदे, तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे किस तरीके से इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं और अगर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ अस्पताल में इंतजाम हैं। ये तमाम जानकारी एकनाथ शिंदे आज की बैठक में लेंगे। ये बड़ी बैठक बुलाई गई है स्वास्थ्य को लेकर। कोरोना के बाद जिस तरीके से बात करें H3N2 वायरस की, अभी कहर बरपा रहा है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और BMC के मुताबिक 32 मरीज अब तक अस्पताल में भर्ती हैं। यानी मुंबई में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हर एक को कदम उठाने को कहा जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और किसी को भी, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो कोरोना से काफी मिलते जुलते हैं, इसीलिए अगर किसी को इस तरह की शिकायत होती है तो उसे टेस्ट जरूर कराना चाहिए, अपना डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आइसोलेशन में रहना चाहिए क्योंकि ये वायरस भी फैल रहा है। और इसी को लेकर जो है बैठक बुलाई गई है एकनाथ शिंदे द्वारा कि मुंबई में किस तरीके से, महाराष्ट्र में इस वायरस को लेकर के किस तरीके से स्थिति है उसका जायजा लेंगे, स्वास्थ्य की तैयारियों का जायजा भी लेंगे।